नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इस हफ्ते मैंने आपको सेल साइड ही रहने के लिए बोला था और आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। एंड अगर आप सुबह पुट बुक करके बैठे हैं तो बढ़िया तरीके से बुक करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्पॉट निफ्टी आपका 17,985 चल रहा है, लो कितना है आज का एक बार देख लेते हैं, 17,970, तो लो की तरफ ही है अपने, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। एंड आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 41,343। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पोजिशनल बाई इनिशिएट करना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाई सेल करने से पहले, बटन दबाने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बेयरिश नहीं हूँ, जितनी गिरावट मुझे दिख रही थी मार्केट में, मैं 3 दिन से आपसे बोल रहा था कि निफ्टी एक बार 18,000 के आसपास आना चाहिए, वो आया भी, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, SL रखिए एनी क्लोजिंग बिलो 41,100, ठीक है। और पोजिशनल बाई करिएगा, पोजिशनल बाई का मतलब होता है कि कम से कम आप 2-15 दिन की जो आगे की एक्सपायरी उससे आगे का लें, करंट एक्सपायरी पोजिशनल बाई नहीं होता है, वो तो इंट्राडे के लिए होती है। तो यही है ट्रेड, और हो सकता है हमें मार्केट थोड़ा सा और वीक दिखे, और कल भी सुबह हो सकता है 11:30 तक वीकनेस दिखे, बट उसके बाद लगता है मुझे मार्केट तेज़ी में आ जाएगा और बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 41,100 बिलो क्लोजिंग SL मान लीजिएगा आप, क्योंकि अगर वो लेवल टूट के नीचे क्लोजिंग होती है तो एक बार को देखना पड़ेगा। निफ्टी में भी 17,900 ये लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो ही तेज़ी का जो व्यू बना हुआ है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। सेल करना है कि नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। अभी जैसे इस हफ्ते सेल का पूरा सेटअप बना हुआ था तो सेल करके हमने पैसा बनाया, अब मार्केट सपोर्ट पे है तो सपोर्ट पे सेल नहीं, सपोर्ट पे बाई बनता है, तो यहाँ से कॉन्ट्रा बाई ही करना चाहिए। हाँ, अगर सपोर्ट टूटते हैं जो जैसे मैंने बताया आपको, तो हम एक बार रिव्यू करेंगे कि मार्केट में क्या होगा ऐसे, बट यहाँ से अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड देखा जाए तो बाई साइड ज़्यादा है ना कि सेल साइड ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो 17,900 पोजिशनल बाई करना है, अभी आप एक दो दिन की बाइंग पोजिशन बनाने का मत सोचिएगा कि यहाँ से आप कुछ सुपर डुपर तेज़ी कर जाएंगे, पोजिशनल बाई करना है, मतलब कम से कम 15 दिन की एक्सपायरी आगे लेके चलिएगा, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। निफ्टी एनी क्लोजिंग 17,900 बिलो, बैंक निफ्टी एनी क्लोजिंग 41,100 बिलो, तेज़ी में जा सकते हैं आप। और मतलब 42,100 तक तो मुझे बैंक निफ्टी लगता है कि जाएगा, निफ्टी भी एक बार 18,300 क्रॉस करना चाहिए अगले 10-15 दिन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो रिस्क मैंने आपके डिफाइन कर दिए हैं, यहाँ से 200 पॉइंट के लगभग का रिस्क आपका बैंक निफ्टी का है एंड 80 पॉइंट का रिस्क आपका निफ्टी का है, उस प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिएगा दोस्तों। ये मेरे पर्सनल व्यू है और मेरे गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। थैंक यू।